किताब वाले आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पटना हाई कोर्ट के लिए कुछ बुक्स है जो अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है, ब्रेन ट्रेन स्टडी हब की, और ये पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई थी पटना हाई कोर्ट के लिए असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपका आप देख सकते हो, एक पेपर आपका जनरल कंप्यूटर का है, एक पेपर आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का बुक है, एक आपका इंग्लिश ग्रामर का है, एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है यानी कि मैथमेटिक्स का है, और ये आपका अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसके अकॉर्डिंग है। उस सिलेबस में आपका कंप्यूटर्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश है, और उसी के हिसाब से इस पूरे बुक को, पूरे कॉन्टेंट को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। टोटल 4 बुकलेट आएंगी इसमें अगर इस पूरे पैकेज की बात की जाए तो, जिसमें एक आपका कंप्यूटर का होगा, एक इंग्लिश का होगा, ग्रामर का, और एक आपका रीजनिंग का, एंड एक आपका कंप्यूटर्स का। तो आप बुक देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से आपका शुरू होता है, लाइक ये आप मैथमेटिक्स का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये बुकलेट है। आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से चीजों को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, पूरा आपका कंप्लीट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पूरा आपका यहाँ पे दिखता होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर 1 नंबर्स, उसके पूरे एक्सप्लेनेशन आपको दिखते हैं, जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको दिखते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स मिलते हैं देखने को, ठीक है। उसी तरीके से ईपीएफओ की भी बुक आ गई है, ईपीएफओ के लिए भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, तो किताब वाले ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, या जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहां से भी आप बुक को देख सकते हो, और वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे और बुक ऑर्डर करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरे बुक का लिंक भी है, इस पूरे पैकेज का लिंक है, ब्रेन ट्रेन स्टडी हब का, जो कि पटना हाईकोर्ट के लिए है, इसको आप ऑर्डर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी, और किताब वाले ऐप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर वाइज आपको पूरा अप्रोच मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में पूरा कॉन्टेंट है, और उसके बाद आपको उसका चैप्टर वाइज के बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे फॉर द क्लियरेंस ऑफ ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर 3 डेसिमल फ्रैक्शंस, जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसी पे आपका ये कंप्लीट बुक जो है, पूरा कंप्लीट मटेरियल जो है वो डिजाइन एंड डेवलप्ड है। आप इसमें देख सकते हो अलग अलग जो भी चैप्टर्स है, एजेस से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के, उसके अलावा आप देख सकते हो डायमीटर एंड स्फीयर के, सर्कल के, सरकमफेरेंस के, जो भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो आपका सिलेबस है एलिगेशन और मिक्सचर के, ये पूरा आपका सिलेबस को कवर कर रहा है। और हर चैप्टर्स के बाद, हर चैप्टर में आपको फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साथ साथ आपको समरी, और जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट होगा तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाई हम लोग जनरल इंग्लिश ग्रामर को देख लेते हैं, जनरल ग्रामर को इसमें आप देख सकते हो व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य क्या है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको कंटेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, सेंटेंस, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं, अब आप देख सकते हो, और जो ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपका सिलेबस के हिसाब से है वो पूरा आपको इसके अंदर में दिखता है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट समरीज है, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो सब आपको इसमें दिख रहे होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पेज बाय पेज आपको दिखाया भी जा रहा है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देखने को यहाँ मिल रहे हैं। अब जैसे देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू भी समझा गया, पूरा कंप्लीट गाइड काइंड ऑफ पूरा कंटेंट है। रीजनिंग बुक है ये आपका, रीजनिंग में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में आप देख सकते हो डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, रैंकिंग यानी कि व्यवस्था क्रम, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की जांच, वर्णमाला, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, सेटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस, आर्गुमेंट्स, कैलेंडर, क्लॉक, एज, क्यूब, डाइस, कोड रिलेशनशिप, फाइंड द मिसिंग आउट, मिरर इमेजेस, क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेजेस, इम्बेडेड फिगर्स, ये सब आपको कॉन्टेंट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिखते हैं, लाइक डायरेक्शन से क्वेश्चन आपका यहाँ पे शुरू है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिलता है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ। सभी चैप्टर्स के कंप्लीशन के बाद आपको उसके सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आपका चैप्टर 2 यहाँ से शुरू होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पूरा कंप्लीट आपका ये वाला जो है रीजनिंग वाला जो बुकलेट है ये पूरा आपका सेट प्रैक्टिस पे डिराइव्ड है, सेट प्रैक्टिस आपको इसमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट के आपको पदानुक्रम, इससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिखते हैं, सभी के आंसर भी आपको दिखते हैं, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाया गया। उसी तरीके से हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को देखा, और उसी तरीके से हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखा,
तो इसमें हम लोगों ने देखा कि आपका पूरा थ्योरेटिकल है, हर चैप्टर्स के बाद, हर चैप्टर्स के कंप्लीशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखते हैं। अभी आइए कंप्यूटर्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ओवरव्यू, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, ये सारा आपका सिलेबस जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सब इसमें कवर्ड है, जो जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम से रिलेट करता हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको थ्योरीज भी दिखती है और आपका कंप्लीट थ्योरी मतलब आपको कंटेंट मिलता है, स्टडी मटेरियल काइंड ऑफ। इसमें आप देख सकते हो इमेज इलस्ट्रेशन भी आपको मिलता है, पूरा कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर है ये। ये पूरा आपका स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम में आप इसमें देख सकते हो। और उसके बाद आपको सारे जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिखते हैं। और वो क्वेश्चंस जितने भी हैं ये जो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर्स उससे रिलेटेड है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बिहार पटना हाईकोर्ट के असिस्टेंट एग्जामिनेशन से। तो ये इंग्लिश मीडियम में पूरा कॉन्टेंट है, पूरा पैकेज है, जिसमें आपने देखा ब्रेन ट्रेन स्टडी हब के द्वारा इंग्लिश मीडियम में पूरा कॉन्टेंट है असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए पटना हाईकोर्ट का, जिसमें हम लोगों ने जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस की बुकलेट को देखा, हम लोगों ने रीजनिंग के बुकलेट को देखा, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के बुकलेट को देखा और हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बुकलेट को देखा। तो ये पूरा कंप्लीट चार बुक्स का ये पैकेज है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हो। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में कॉन्टेंट को हम लोग देखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि किताब वाले ऐप पे और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए आईएएस पीसीएस एंड इग्नू एग्जामिनेशंस के लिए आपको कंटेंट असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड होता रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।